तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं नाइट के में पहली बार किसी हॉस्टल के रूम में पोहे। जी हाँ पोहे, जी हाँ, जो यहाँ पर मैस में अच्छे से नहीं बन पाते हैं। अशोक जी, सॉरी आकाश जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? पोहे बनने जा रहे हैं आज पहली बार नाइट के में, वो भी किसी रूम के अंदर। ओके, ये दो रूम मेट अपने अपने कार्यों में व्यस्त। ओके, अब देखिए चमत्कार। 1 2 3 और आलू प्याज कट गए, पोहे भी गीले होकर भीग कर फूल गए, और अब हम डालेंगे कढ़ाई में तेल। आइए मित्रों, तेल डाला जाए। तेल तेल तेल, क्या इतना काफी है? जी नहीं। तेल तेल तेल, क्या इतना काफी है? जी नहीं। तेल तेल तेल, क्या इतना काफी है? जी हाँ। धूप में निकला ना करो रूप की रानी, छाँव में ही बनाएंगे आज इस पोहे की कहानी। और ये देखिए, थोड़ी ही देर में इस तेल में उबलने लगेंगे ये आलू और प्याज। जी हाँ, तेल में हमने डाला है आलू और प्याज। आँच को हम बढ़ाएंगे 5 पर कर देंगे, क्योंकि बच्चे D-Dash की क्लास को जाने वाले हैं। लल। और अब हम इन्हें ढक देंगे ताकि थोड़ी देर ये सीज करके चबाने लायक हो जाए। तो चलने लगे हैं, अब आँच में कम कर देनी चाहिए अन्यथा। और आपने आलू छीला नहीं है सही से। जी हाँ, क्योंकि जल्दबाजी नहीं, D-Dash क्लास आने वाली है थोड़े ही समय में, बच्चे भाग तैयार होंगे। तेल ज्यादा नहीं डाल दिया? हाँ, आज उधर जाना है, मेरे को पता है। आइए, आज यहाँ पर पूरे नाइट के पहली बार तैयार हो रहे हैं पोहे, और हम राजस्थान वाले ये महान कार्य करने जा रहे हैं। ये हमारे मित्र मिस्टर अंकित जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। केशव जी, आपका केशव जी कैसे हैं आप? अरे ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, पीछे वाली लाइनें काट दी जाएगी। आता रही है, नहीं अच्छा लगेगा, मुझे पता नहीं था इतने ज़्यादा हो जाएंगे। कोई बात नहीं, एक पार्ट और बना लेंगे, जो लोग यहाँ जाएंगे मिक्स कर आपका हो जाएगा। जाओ जाओ जाओ, देर हो रही है D-Dash के लिए। ये 5 पे ही है ना? हाँ ठीक है। अबे वो कलर चेंज हो, मसाला कम रहेगा। अरे रुको, मैं बोल रहा हूँ, फीका फीका लगेगा देखना, 100% पर और होना चाहिए था। कलर बदलेगा कैसे? तो नीचे मसाला है, वैसे मैं बोला इतने ही बहुत है, इनको रखते हैं, जैसे भीग गए हैं तो। मैं चलाऊं? चलाना, आज ट्राई करता हूँ। केशव जी चला रहे हैं अब चमचा। नीचे मसाला है जमीन पर, ठीक है, तो उसको ला के तुम्हें सर मिक्स करने की कोशिश कर। जी हाँ, आपके अपने रूम नंबर 23 में, रूम नंबर 24 और 5 के बगल में है। 22 को हम जानते ही नहीं है। अंकित जी के हाथों के द्वारा ये शुभ कार्य होते हुए, क्या बात है भाई। अब किचन के रूप से पता है, अब तो इनसे बनवाना है। भूख आदमी से क्या क्या नहीं करवा देती। D-Dash तक के लिए मसाला कम है भाई इसमें, नहीं हो गया मसाला। मसाला हल्दी और डालनी चाहिए, ठीक है, हल्दी और मसाला भी काफी होना चाहिए। थोड़ा और कर सकते हैं शायद, पोहे की क्वांटिटी ज्यादा हो गई। बच्चे इनको बना देंगे बाद में, भाई आकाश लोग खा लेंगे उसके बाद। इवनिंग गया नहीं वहां पे का पूछ रहे हो? इनको ढक देंगे थोड़ा सा और बाद में बना देंगे, सब लोग खा लेंगे। तो वहीं जा मैंने बोला था, कहा तू बोल एयरटेल। और जी हाँ, पहला गांस चखेंगे अंकित जी। अंकित जी के लिए प्लेट तैयार की जाए। अगर तो NIT के में रहेगा और जिंदा रहेगा, ये धुली हुई चम्मच तो ये खाना मत। पीछे मोड़ जल्दी, जाता है तो। गॉट इट, धन्यवाद। और देखो, हाँ बचा,
थैंक यू। नमकीन लाना यार केशु। अरे भाई ऋतिक पोहे बनाया मैंने और हमने खाओ खाओ बनाया रूम में। हाँ रूम में कैसा लगा? हाय चल और खा ले यार प्लेट नहीं है यार आ जा बहुत सारे हैं सब पीले बनाए खत्म हो जाए तो अभी और बनाने के लिए तैयार रखे क्या मम्मी ने गुजरा साथ में बोला बनाना 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 इसको ठीक से अंदर क्योंकि वो रेट करता है। ओके जी जनता आपसे जानना चाहेंगे कैसे लगे आपको पोहे आप क्या कहना चाहेंगे? अद्भुत धन्यवाद। ये थे भूपेंद्र भाई कैमरामैन खिलाड़ी के साथ।